दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो। मैनुअल फॉर्म भरवा कर ले ले और फिर उसको यहां पर जहां पर सर्वर काम करे वहां पर उसको साधारणतया कौन चुनाव जीत सकता है वो उम्मीदवार को हम उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि आखिर नंबर्स के ऊपर ही सरकार बनेगी। यदि आप नंबर्स अगर नहीं आ पाए आपके बहुमत के तो सरकार कैसे बनाएंगे। इसलिए कौन जीत सकता है चुनाव, ये हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। हमारा जो फीडबैक उस फीडबैक के आधार पर हम उम्मीदवार तय करते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया कोई, कभी कोई ऐसी सीट होगी जहां पर 70 साल का उम्मीदवार जीत सकता होगा, समझेंगे ठीक बात है, एक बार और मौका। और अब खबर सीतामऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा आज सीतामऊ तहसील परिसर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया गया है। उनका कहना है कि इससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। कि जब भी कोई सरकारी भवन बनता है वो जनता के लिए ही बनता है, अधिकारी तो कभी हैं कभी नहीं है, पर ये परमानेंट जनता को सुविधा मिले और ये आशा रहती है, विश्वास होता है कि सुंदर भवन बनना, पर सुंदर अधिकारी सही तरीके से जनता का काम करें, जनता को जनता के हित की जो हितग्राह योजना है उनका लाभ मिले, इसलिए भवन बनाए जाते हैं। माननीय पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बिल्डिंगें दी गई है, जो उन्नयन हुए हैं, उनका एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और जब भी तारीख आएगी तो अति शीघ्र आने वाले हैं। और राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने के संबंध में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कमेटी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश राजवाड़े ने विधायक खेलसाय सिंह की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूरे देश में घटनाक्रम चल रहा है, मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं 4 बार के सांसद श्री राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते हैं तब एक षड्यंत्र रचा जाता है। श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए, देखिए इस देश में लोकतंत्र को किस प्रकार। और इंदौर में बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर शामिल हुई हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उषा ठाकुर ने पार्टी को मजबूत बनाने और जनहित के मुद्दे पर चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर मथुरा के कथावाचक अनुरुद्धा आचार्य को मिली धमकी को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे संत महात्मा इतने कमजोर नहीं है कि इस तरह की धमकी से डर जाए, हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं हो सकता, कोई इस तरह से उन्हें डरा नहीं सकता है। और वही बावड़ी हादसे को लेकर कहा है कि नगर निगम द्वारा उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कुएं और बावड़ी है और उसके ऊपर धार्मिक स्थलों को बनाया गया है, जल संरक्षण के लिए ऐसे कुएं और बावड़ियों को बंद नहीं किया जा रहा है जिसमें पानी का स्रोत बाकी है, लेकिन जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है।
ऐसी फर्जी धमकियों से ना हम और हमारे संत घबराते हैं। ये सत्य सनातन परंपराएं प्रकृति और पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक निर्बाध गति से चल रही हैं, चलती रहेंगी। हमारा हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई इस प्रकार से उसको डरा सके। नहीं नहीं, भरने और बंद करने का काम नहीं होगा। जल संरक्षण के क्षेत्र वो बने रहेंगे, पर उनके ऊपर जैसी दुर्घटना हमारे पटेल नगर में हो गई कि उसके ऊपर ही पक्का निर्माण कर दिया था, ऐसे सारे निर्माणों से जल स्रोतों को मुक्त कराया जाएगा। वो जल संग्रहण के क्षेत्र बने रहे, सुरक्षा की दृष्टि से उन पर हम जालियां लगा दें ताकि कोई गैस फॉर्मेशन जैसा यहाँ स्थायी स्ट्रक्चर के कारण हो गया था, ऐसी दुर्घटना दोबारा जीवन में ना हो। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में तहसील कार्यालय के समीप किसानों के द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं की मनमानी के संबंध में लगातार शिकायत मिलने पर एसडीएम सुरोचे सिंह द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें किसानों के द्वारा शिकायत की गई कि स्टाम्प विक्रेता छोटे स्टाम्प जैसे 10 और 20 के स्टाम्प को स्टॉक में नहीं होना बताकर ज्यादा पैसे में विक्रय कर रहे थे और उनके द्वारा 100 और 50 के स्टाम्प को 1.5 से 2 गुना मूल्य पर बेचा जा रहा था, जिस पर एसडीएम सुरोचे सिंह की जांच के दौरान शिकायतों को सही पाया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा अपना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया है। और अब खबर सारंगढ़ विलाईगढ़ से है, जहां पर सारंगढ़ साहू धर्मशाला में 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रतिभाओं की नगरी सारंगढ़ में करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सर्व समाज के युवाओं और छात्र छात्राओं को यूपीएससी, सीजीपीएससी और आईआईटी, नीट, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करना है, इस विषय पर खास चर्चा की गई है। और इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने छात्रों को महत्वपूर्ण बातें भी बताई है। समाज द्वारा करियर गाइडेंस और मोटिवेशन का कार्यक्रम रखा था, इसमें यूपीएससी और सीजीपीएससी को लेकर बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। उसमें एक कलेक्टर मैडम और हमने इसमें जो है उनके जो बच्चों के खासतौर पर कुछ क्वेरीज थे कि किस तरह तैयारी किया जाए, डिस्ट्रैक्शन कैसे कम किया जाए और अभी स्कूल में कॉलेज में किस तरह से तैयारी की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी पूछी तो भी बताई गई। और जिला प्रशासन द्वारा मैडम के द्वारा भविष्य में उनके लिए कुछ गाइडेंस की कोचिंग भी स्टार्ट की है। खासतौर पर ये समाज की जो पहले बहुत काफी तारीफ है, इस तरह से युवा बच्चों को करियर के संदर्भ में गाइडेंस दे रहा है समाज के द्वारा, और बहुत अच्छा पहले मुझे लगता है कि आज के समाज में भी इस तरह का कार्यक्रम रखना चाहिए। और सच में जब इंस्पायर होते तो सच में ज्यादा इंस्पायर हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि मैं दुनिया बदल दूंगा या दुनिया बदल दूंगी, लेकिन एक दिन में कोई मैजिक नहीं होता। एक बार कोई ऐसा मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि ओवरनाइट सक्सेस किसी को मिल गई हो, ऐसा कभी नहीं हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका लगातार लगे रहना और कंसिस्टेंट अप्रोच रहना, ठीक है। बार बार बहुत सिंपल सी थ्योरी है, वो थ्योरी आज भी लागू है। इतनी होगी यूट्यूब पर किसी का फिफ्थ अटेंड हो रहा है, लेकिन होता है जस्ट अगर वो मानने की शुरुआत, अगर मान के 5वें 10th में सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है लगभग उसकी 8 साल की पढ़ाई लगी। और अब खबर नारायणपुर से है, जहां छोटे डोंगर आमदेई घाटी क्षेत्र बहाकर में नक्सलियों द्वारा बिछवाए गए आईडी डिफ्यूजन करने के दौरान डीआरजी के एक जवान घायल हो गए हैं, जिससे एक जवान की आंखों में चोट आई है और जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां सिलसिलेवार चोरियों का खुलासा किया गया है, जहां पुलिस ने जड़ी बूटी शहद बेचने के नाम पर जिले में सक्रिय अंतर्राज्य गिरोह के 4 आरोपियों को देश के कट्टे के साथ बरामद किया है। और आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी अहम भूमिका रही है आरोपियों की पहचान करने में, वहीं अब पुलिस इस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लगातार सिलसिलेवार कुछ चोरियां हुई, जिससे एक बड़ी चोरी की सूचना थी और छोटी छोटी चोरियां थी, तो लेकिन हम लोग
जो पीछे के चोरियों के बारे में जब उसका एनालिसिस किए तो लगा कि कोई एक ही गिरोह का आदमी इस पर काम कर रहा है। तो तभी साइबर की टीम और हमारे एडिशनल एसपी और हमारे साइबर सेल की पूरी टीम जो है एसडीओ के दीपक मिश्रा के नेतृत्व में लगाया गया और फिर जाकर के इन लोगों का टेक्निकल इंट और कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेक किया गया तो कुछ संदेही का पता चला और उस संदेहियों के बारे में जब आगे बढ़े तो इन लोगों का एक लोकेशन हमें चर्चा में मिला, वो यहाँ से जा चुके थे। तो चर्चा में जब इनका लोकेशन मिला तो वहाँ उनके डेरा पे जो फेरी ये डेरा कल जड़ी बूटी मधुरा शादी का जो काम करते हैं लोगों को ढंगने उठने का भी काम करते हैं ये लोग, तो वहाँ पे जब रेड किया गया तो तीन आरोपी जो है हमें वहाँ से मिला और उन तीन आरोपियों को जब उनको रेड किया गया तो उसी दौरान जो हमें एक देसी कट्टा और पांच जिंदा। और अब खबर रायगढ़ से है जहां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में एक नया अध्याय जोड़ते हुए जेएसपी फाउंडेशन द्वारा रायगढ़ में बुजुर्गों के लिए जिंदल अपना घर की स्थापना का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि जिंदल अपना घर में 150 जरूरतमंद बुजुर्गों के घर के साथ ही कपड़े, खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, योग ध्यान सहित बेहतर जीवन के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। वहीं शहर से जुड़े ग्राम खैरपुर में 47,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही विशेष बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार हासिल कर चुकी संस्था आशा द होप के लिए भी 6 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 वर्ग फीट के नए भवन का निर्माण किया जाएगा और इस नए और बड़े भवन में बच्चों को पहले से भी बेहतर सुविधाएं हासिल हो सकेगी। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास 7 अप्रैल शुक्रवार को खैरपुर स्थित परियोजना स्थल में ओपी जिंदल समूह के चेयरपर्सन इमरिटस सावित्री देवी जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर के ओर से जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिंदल ने वर्चुअल तरीके से किया है। सबसे पहला चीज है आशा दी होप हमारा चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। हम लोग दिव्यांग बच्चे लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम में उनको लाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको कारीगरी शिक्षा देते हैं जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आकर के जुड़ करके अपना परिचय अपने पैर पे वो लोग खड़ा हो सके। जो जगह रायगढ़ में है अभी वो थोड़ा सा छोटा है तो उसको हम यहाँ पर इस जगह पर हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा परिसर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में हम अपना घर जो माता जी ने कह रही थी कि जो माँ बाप हैं उनको जिनके बच्चे देखभाल करने के लिए किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे उनको हम एक जगह देने का कोशिश कर रहे हैं। आज जिंदल पावर प्लांट द्वारा विकलांग और वृद्ध आश्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। इस भूमि पूजन में इस क्षेत्र के विकलांगों के लिए, इस क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए, इस क्षेत्र के वृद्धजनों के लिए बहुत लाभकारी है और मुझे विश्वास है कि जिंदल फाउंडेशन द्वारा जिस तरह से जन सरोकार कार्य काम कर रहा है आने वाले समय में दब रहा है आईटी काम करेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। मैं आपके माध्यम से जिंदल पावर प्लांट के अध्यक्ष नवीन जी को, उनके माता हम सबके माता सावित्री जिंदल जी को और सालू जिंदल जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और अब खबर जगदलपुर से है जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मेढ़ा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। और जगदलपुर में बोधघाट पुलिस के द्वारा शहर के 3 अलग अलग जगहों पर सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और जिस पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है वही आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है।
और अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए टीम गठित की गई है, जिस पर पुलिस टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी जब्त कर सफलता हासिल की है। वहीं अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और बिलासपुर में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि सतबहिनिया मंदिर के पास देवरी खुर्द में कन्हैयालाल पंजवानी पंजाब के खिलाफ राजस्थान आईपीएल मैच में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा है, और जिनके कब्जे से 1 मोबाइल और नकदी 3,000 रुपये जब्त किए गए हैं। और जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी जिला कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा और समर्पण भावना को स्मरण करते हुए उन्हें शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है, और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। गरिमामयी सम्मान समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ जनों ने अपना तजुर्बा कार्यकर्ताओं के बीच साझा किया है और पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने की सलाह दी है। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ जनों का सम्मान कर हम सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठों की कड़ी तपस्या और अथक परिश्रम समर्पण से आज बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और सुकमा क्षेत्र के एक युवक द्वारा खुलेआम गोमांश खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भूपेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा के क्षेत्र में लगातार धार्मिक व्यवस्था फैलाकर समुदाय को लड़ाने और उन्माद फैलाने की नाकाम कोशिश हो रही है, और एक युवक द्वारा खुलेआम बीजेपी और हिंदुओं को गाली गलौज करते हुए अभद्रतापूर्ण तरीके से गौमांश का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदार कश्यप ने सवाल उठाते हुए कहा है कि धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों को डराने के लिए प्रदेश में रासुका लाने वाली प्रदेश सरकार क्या अब इस उन्मादी युवक पर रासुका के तहत कार्रवाई करेगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगातार हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह की घटना सुकमा में घटित हुई, जहां पर सुकमा के में एक समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने गोमांस खाते हुए हिंदुओं को अभद्र टिप्पणी की, अपमानित करने की कोशिश की, ऐसे तत्व को आज कांग्रेस का कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। जहां एक ओर रामनवमी के एक दिन पहले जब सुकमा में मामला आया, तो वहां पर जो हिंदू थे उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। किसके सब पर लाठी बरसाई गई? आज ऐसे तत्व जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? किनके कारण से ये लोग आज इस तरीके से व्यवहार करते हैं? आज कहीं ना कहीं से हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में जो गोहत्या हो रही है, गो तस्करी हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी पीआरपी कृषि मंत्री और बैंक मित्रों का कहना है कि वो मन लगाकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहान योजना के अंतर्गत कार्य को छोड़कर अतिरिक्त कार्य भी उनसे कराया जा रहा है, लेकिन मानदेय से समूह के सभी लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए समूह के सभी महिलाएं धरना पर हैं और अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों का हड़ताल अनिश्चित है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना आता है, उन योजना का सभी जानकारी हमारे बिहान के दीदी इन योजना के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जो कि काम के हिसाब से हम लोग चाहते हैं नियमितकरण, नियुक्ति प्रमाण पत्र, मानदेय में वृद्धि और हर माह वेतन, जिस तरह काम कर रहे हमारे पैदा दीदी काम के हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट भी किया जाए। जिस तरह से काम करवा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों का मानदेय को भी वृद्धि किया जाए।
हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं हम सभी बिहान केडरों की नियमितीकरण किया जाए और समय पर मानदेय नहीं मिलता है, वो समय पर हम लोग को मानदेय दिया जाए। और हमारी जो मांग है हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे मतलब काम के हिसाब से, काम के रूप से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, तो इसीलिए हम लोग हड़ताल पे उतरे हैं। और हम लोग का मानदेय बहुत कम है, जितना मानदेय मिल रहा है उतना से हम लोग का पेट्रोलिंग और मकान किराया और अपने घर परिवार का खर्च हम लोग का नहीं चल रहा है। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थ्रू कॉन्स्टेंट